हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। ये वीडियो लाने में हमें बहुत टाइम लग गया क्योंकि ये जो एनालिसिस था ये बीपीएससी मेंस का, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है और उसी एनालिसिस के बेस्ट पर वो हमने एक जो है ये सारे सब्जेक्ट का कुछ एनालिसिस किया है और उसको जो कितना कट ऑफ होना चाहिए और कितना क्या होना चाहिए वो हम लोग डिसाइड किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ रिज़ल्ट जो है जो इंटरव्यू के लिए होने वाला है उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, तो ये वीडियो मेनली फोकस है कि जो बीपीएससी एई का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है 27 से 31 तक मार्च में, तो उसमें कैसा क्वेश्चन का लेवल था, कैसे लोगों ने किस टाइप के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कैसा सबका एग्ज़ाम गया है, उसी बेसिस पर हमने कुछ लोगों के साथ तो मैंने बात किया है और उसी के बेसिस पे हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, ताकि क्योंकि एक एक जो मैं बात बताने वाला हूँ इसमें बहुत ही फैक्ट बात है और वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत से पूछा है उसी के बेसिस पे हमने ये बात किया है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर जो है हमारा जनरल हिंदी का पेपर था, जनरल हिंदी जो जिसका एग्ज़ाम 27 को हुआ था, तो उसमें जो है लगभग सारे लड़के उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 30 नंबर चाहिए था। ठीक है, सिर्फ 30 मार्क चाहिए, 100 का एग्ज़ाम हुआ था और 30 नंबर चाहिए था उसमें क्वालिफाई करने के लिए, तो लगभग सारे लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसमें जो 30 से 40 नंबर जो है वो बहुत कम लड़कों का 30 से 40 नंबर आ रहा है। थोड़ा सा इसमें जो मेन एवरेज मार्क है वो 50 से लेकर के जो 70-75 तक है वो मैक्सिमम स्टूडेंट ने लाया है इसका, किसी किसी का जो है वो 80-90 भी है, तो वो सब दूसरी बात है, लेकिन मेनली जो एवरेज मार्क है ना, एवरेज मार्क 50 से लेकर के 50 से ऊपर बहुत स्टूडेंट का है और 60-70 भी बहुत का है, तो ये मेन जो है इसका 50 से लेकर के 70-75 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका मार्क लाया है, जैसा कि उसने मैच किया है अपने आंसर की से या फिर किसी का भी मैं आंसर किया, बहुत सारे आंसर किया भी हैं, तो उसी से मैच करके जो आया है वो उसी के बेसिस पे ये बोल रहा है। ठीक है, सेकंड पेपर था जनरल इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश में भी 30 मार्क चाहिए थे और उसमें जो है आपको भले कुछ अजीब लगे लेकिन उसमें लगभग 20% स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई होने का चांस नहीं है कि वो क्वालिफाई करें। ठीक है, ऐसे कौन से 20% स्टूडेंट है वो तो मुश्किल है कहना, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है जिस टाइप से क्वेश्चन का लेवल था इंग्लिश का, इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल जैसा था, जो साइनोनिम एंटोनिम थे, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, ये सब टाइप के जो क्वेश्चन थे वो बहुत स्टूडेंट से नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं जो कुछ अगल बगल वाले से मिला करके लिखे हैं तो उसी बेसिस पे जो है बहुत का रिजल्ट होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें 20% स्टूडेंट के आसपास जो है वो 30% मार्क लाने में एलिजिबल मार्क नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसमें भी जो है एवरेज मार्किंग जो है एवरेज जो मार्क आया स्टूडेंट का वही 50 से लेकर के 60-70 तक आया है इसमें। ठीक है, तो कुछ यही है, उसमें सिर्फ 30 मार्क चाहिए थे तो इतना कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं था। उसके बाद हमारा जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर था जनरल स्टडीज़ का, ऑब्जेक्टिव था वो 28 को एग्ज़ाम हुआ है इसका, 28 में इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के थे, उसमें टोटल 100 मार्क के, इसमें जो है लगभग सब सारे स्टूडेंट अच्छे किए हैं और मैक्स एवरेज जो है मार्किंग 55 से लेकर के 65-70 तक एवरेज मार्किंग गया है, मतलब जाने वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्क जो है 50 से 60 मार्क जो है 30% स्टूडेंट और 60-70% मार्क जो है वो 20% स्टूडेंट और बहुत का 70-80 भी आया हुआ, 80 आया हुआ है, बहुत का 87 भी आया हुआ है। तो ठीक है, तो ये मेन इसका जो एवरेज है वो 60
पैंसठ सत्तर, यही 50 से 65-70 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें भी जो बहुत स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम जिसका अच्छा गया होगा वो स्कोर में अच्छा कर सकते हैं। वो जो हिंदी और इंग्लिश का था वो इसमें मेन लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले हैं नंबर। तो मेन रिजल्ट जो है, रिजल्ट में जो मार्क काउंट होगा वो जनरल स्टडी से स्टार्ट होता है। जनरल स्टडीज़ के बाद जितने जनरल स्टडी और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे का जो है रिजल्ट में मार्क ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो चौथा फोर्थ पेपर है जनरल इंजीनियरिंग का। जनरल इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव भी था और सब्जेक्टिव भी था। ऑब्जेक्टिव में टोटल 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो दो दो मार्क के थे, इस तरह से 100 मार्क के जनरल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव पेपर थे। और जिसमें जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया, अच्छा किया है। और जो मैक्सिमम इसमें जो एवरेज मार्किंग है इसमें 40 से लेकर के 60-65 तक इसमें एवरेज मार्किंग है, सब जो जिसको मिल रहा है नंबर, ठीक है। 40 नंबर से लेकर के यानी कि 20 क्वेश्चन से लेकर के वो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के आसपास वो सही करके आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है जो सब्जेक्टिव पेपर थे उसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 5 अटेम्प्ट करने थे आपको, और जो सारे क्वेश्चन थे वो 20-20 मार्क के थे, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और किसी किसी में ए भी पार्ट था तो वो सब इंक्लूड करके वो जो फाइनल एक क्वेश्चन जो था वो 20 मार्क्स के थे और 5 अटेम्प्ट करने थे आपको 10 में से, ठीक है। तो इस तरह से जो है सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव में कुछ खास स्कोर सबका नहीं हुआ है, सब्जेक्टिव उतना अच्छा बहुत का नहीं गया है। तो इसमें जो है जो एवरेज जो मार्क लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना मार्क आना चाहिए, तो वो है जो 30 से 45 नंबर के आसपास, 50 नंबर के आसपास, बस इतना ही, ठीक है। तो इतना मार्क मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना मार्क आएगा। और बाकी कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा भी है एक्सपेक्टेशन, लेकिन देखते हैं उसका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट आने में जो है एक्चुअल क्या है वो पता चलेगा, ठीक है। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का हो गया, जनरल इंजीनियरिंग में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का बात। तो इस तरह से ये जनरल इंजीनियरिंग हो गया। और नेक्स्ट पेपर जो है था सिविल का, जो है फर्स्ट पेपर था सिविल का, जो फर्स्ट पेपर था ये 30 को जो हुआ था इसका एग्ज़ाम। तो ये है कि इसमें भी वही 50 क्वेश्चन थे, दो दो मार्क के, और सब्जेक्टिव जो था वो यहाँ सब्जेक्टिव इसमें टोटल जो था सब्जेक्टिव में टोटल 8 क्वेश्चन थे, और जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे, और जिस जो सब 20 मार्क्स के थे तो 100 मार्क के ये हो गए। इस ये जो सब्जेक्टिव है वो भी मैक्सिमम लोगों का लगभग अच्छा नहीं गया है, और जो इसका एवरेज मार्किंग है, एवरेज जो मार्क है वो 50 से नीचे ही रहने वाला है। जो 50 पे लगभग जिसका बहुत अच्छा गया वो 50-60 के आसपास आएगा, लेकिन मेनली इसका जो है एवरेज मार्किंग वो 40-45 के आसपास होने वाला है। और ये ऑब्जेक्टिव का ये लगभग 50 से 60-70 लोग लाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है एनालिसिस है ये पेपर वन के बारे में जो सिविल इंजीनियरिंग का था। और जो पेपर टू है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें जो है उसमें सब्जेक्टिव में 5 ही क्वेश्चन थे, 5 में ए बी सी करके पार्ट था, और सी का जो था सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में जो सी, टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन में ए बी सी करके था, तो सी का और करके और भी ऑप्शन दिया हुआ था दूसरा, ठीक है। यानी और जो 5 में से टोटल 5 में से जो 6वां क्वेश्चन कोई नहीं था जिसमें से आपको ऑप्शन मिले, तो हर क्वेश्चन का सी पार्ट का एक ऑप्शन था, ठीक है, कि जो आप अगर वो नहीं आता है तो दूसरा कीजिए, दूसरा पार्ट। तो ये टोटल यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 में 5 अटेम्प्ट करने थे आपको, और 20 मार्क के थे टोटल, तो 100 मार्क के ये हो गए। और 50 ऑब्जेक्टिव थे, दो दो मार्क के 100 मार्क के ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसमें जो है ये सब ऑब्जेक्टिव जो है लगभग ये इस पेपर का ऑब्जेक्टिव लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का ठीक ठाक गया है। और इसका जो एवरेज मार्किंग है, एवरेज मार्क जो आ रहा है वो 50 से 60-70 तक लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो और सब्जेक्टिव का जो है, सब्जेक्टिव में इसमें कुछ खास स्कोर नहीं हो रहा है, और सब्जेक्टिव में लोग इसमें जो है 30-35-40-50 से नीचे मैक्सिमम स्टूडेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ सारे पेपर के जो एनालिसिस थे
वो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ये हमने किया था, और इसी बेसिस पे कुछ आउटपुट जो है वो हमने निकाला है। तो ये आउटपुट जो है कि टोटल एडमिट कार्ड जो था वो 10,000 स्टूडेंट के लिए, 10,000 कैंडिडेट के लिए इशू किए गए थे। टोटल 10,125 और के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो कुछ कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं फिलअप किए थे, क्योंकि वो अच्छे जगह पे चले गए हैं तो वो फॉर्म फिलअप नहीं किए थे मेंस का। तो उसी के बेसिस पे टोटल लगभग 10,000 स्टूडेंट का जो है ये एडमिट कार्ड इशू किया गया था, और उसमें जो है 10% जो है वो अपीयर नहीं हुए थे एग्ज़ाम में, जो एबसेंट थे। मिनिमम 10%, उससे ज़्यादा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट एबसेंट थे, लेकिन मिनिमम 10% स्टूडेंट एबसेंट थे। इस तरह से टोटल बचते हैं 9,000 स्टूडेंट, और जो कुछ स्टूडेंट जो है वो हिंदी इंग्लिश में जो है क्वालिफाई नहीं है, नहीं होंगे, ऐसा भी बोला जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट का उस कुछ स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में या दोनों में से किसी में क्वालिफाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो ऐसे 20% स्टूडेंट लगभग हैं, और इस तरह से टोटल बस जाते हैं 7,200। और जो 30% स्टूडेंट हैं, 30% स्टूडेंट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, जो अनडिजर्व कैटेगरी का, जनरल का, ओबीसी का, बीसी का, ईबीसी का और एससीएसटी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, उतना नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ऐसा भी बोला जा रहा है कि इतना स्टूडेंट जो है 30% स्टूडेंट जो है उसको ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क उसको नहीं आएगा, और उस बेसिस पे 30% स्टूडेंट उस बेसिस पे रिजेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह से टोटल 5,000 स्टूडेंट बचते हैं। और 5,000 स्टूडेंट के बेसिस पे जो है फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, जो फाइनल इंटरव्यू का कॉल आएगा वो 5,000 स्टूडेंट पे बेस्ड रहेगा। उसी में जो कैटेगरी वाइज है, जो कैटेगरी किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से, और टोटल वैकेंसी आपको पता ही है 1,284 है, 1,284 वैकेंसी है टोटल, तो इसी के बेसिस पे जो है बुलाया जाएगा। ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अनडिजर्व कैटेगरी जो जनरल है, जनरल के लिए 40% है, 40% लाना होगा तभी उसका रिजल्ट संभव है। जो बीसी है, बीसी के लिए 36.5%, जो ईबीसी है उसके लिए 34% और एससीएसटी के लिए 32% है। तो यानी कि इतना आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, ये इतना आपको लाना है तभी आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसी ऐसे कैंडिडेट है 30%, माना जा रहा है कि 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं ला पाएंगे वो। तो इस बेसिस पे हमारा 30% हो गया, और उसके बाद आपको ये तो है कि 1,284 पोस्ट है और 5,000 कैंडिडेट के बेस्ड पे जो है इंटरव्यू का कॉल आने वाला है। तो इस तरीके से जो है टोटल इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 3 times बुलाए जाएंगे। ठीक है, 3 times बुलाए जाएंगे, और 3 times इसका होता है 3,852। ठीक है, और टोटल कैंडिडेट हमारे पास है 5,000। तो ज़्यादा कुछ टफ जो है इंटरव्यू कॉल के लिए, फाइनल सिलेक्शन का बात हम नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल के लिए बात कर रहे हैं कि जो इंटरव्यू कॉल है वो कुछ ज़्यादा टफ कंपटीशन उसमें नहीं रहेगा, और उसका जो रेशियो रहेगा लगभग 1:1.3 के से कम ही रहेगा। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, इसी के आसपास ये रेशियो होने वाला है। तो कुछ खास कंपटीशन इसमें इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं होने वाला है, जो फाइनल सिलेक्शन में जो होगा ना वो उसमें कुछ कंपटीशन रहेगा। तो यहाँ पे और सिलेक्शन में जो है सबसे बड़ा रोल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिजर्वेशन सिस्टम का। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम का बहुत अच्छा खासा रोल होने वाला है, क्योंकि ईबीसी हो गया, एससीएसटी हो गया, बीसी, जो कुछ ये सब कैटेगरी है तो कैटेगरी में कुछ रिजर्वेशन है। फिर जो लेडीज़ के लिए 35% है सारे कैटेगरी में, तो उस हिसाब से टोटल इसका बहुत अच्छा खासा रोल होने वाला है रिजर्वेशन का। तो इस बेसिस पे भी रिजल्ट तैयार होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे हमने जो फाइनल कट ऑफ है वो डिसाइड किया है इसी बेसिस पे। तो जो फाइनल कट ऑफ है वो हम देखते हैं अब। जो फाइनल कट ऑफ है वो इसी बेसिस पे जो है, जो हम इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं उसी बेसिस पे हमने फाइनल कट ऑफ जो देखा है कि वो
अनडिजर्व कैटेगरी का जो मेल रहेगा उनके लिए 45 से 50% होने वाला है, ठीक है। 45 से 50% यानी कि 315 नंबर से 350 नंबर के बीच में अगर आपको मार्क है और आप जनरल कैटेगरी से अनडिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से या फिर अनडिजर्व कैटेगरी में अपना सीट चाहते हैं, तो आपको 45% से 50% आपको मार्क लाना होगा मेल है तो। अगर फीमेल है तो 40 से 45%, 40% इसका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, यानी कि 280 से 315 के बीच में फीमेल को कम से कम लाना होगा, ठीक है। ये एक रेंज है, ठीक है, रेंज है, इसके बीच में कट ऑफ जा सकता है। 5% का गैप हमने लिया है क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, जो इसी बेसिस पे जो बात हम कर रहे हैं, तो ये 40 से 45% होने वाला है। उसके बाद जो बीसी का मेल का है वो 43 से 50%, कुछ खास डिफरेंस नहीं होने वाला है बीसी और जनरल का, तो 43 से 50% इसका जाने वाला है, यानी कि 300 से 350 के बीच में अगर मार्क है तो आप श्योर हो सकते हैं, ठीक है। ये टोटल जो है आउट ऑफ 700 है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का हम बात नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ 700 जो है उसका हम लोग बात कर रहे हैं। बीसी मेल का 43 से 50%, 300 से 350 नंबर लाना होगा। बीसी फीमेल अगर हैं तो 36.5% से 40% अगर आपके उसके बीच में आ रहा है, यानी 260 से 280 के बीच में अगर आपको नंबर आ रहा है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप एबीसी के मेल हैं तो एबीसी मेल के लिए ज़्यादा कुछ खास कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 245 से 280, ठीक है, 245 से 280 के बीच में एबीसी का मेल का कट ऑफ आने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर फीमेल है एबीसी का तो 34 से 38%, यानी 240 से 270 के बीच में इसका मार्क रहेगा कट ऑफ का। और एससी एसटी है तो 32 से 35% के बीच में, यानी कि 225 से 250 ही रहेगा, ज़्यादा कुछ खास जाने वाला नहीं है इसमें भी। तो ये जो कुछ है जो कट ऑफ है इसी के बीच में यही रेंज रहने वाला है, कट ऑफ का जनरली यही रेंज रहेगा और इसी के बीच में जो है कट ऑफ लाई करने वाला है। अगर थोड़ा सा वेरी कर जाए इधर उधर तो हो सकता है इतना, अगर आप जो है अगर इसके बीच में आपको मार्क आ रहा है, आपको ये टोटल 700 पे है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं है ये, यानी कि आपको अगर 700 में अगर इतना मार्क आ रहा है इस रेंज में तो आप श्योर हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और जो है आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हमारे ऑब्जर्वेशन थे, हमारे कुछ जो एनालिसिस थे उसके बेसिस पे हमने ये तैयार किया था, ये वीडियो बनाया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा और आपको बहुत हेल्प मिला होगा। तो अगर आप अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और जो इसके बाद जो हमारा एक सेक्शन आने वाला है, जो हमारा अपकमिंग सेक्शन है, वो जो आने वाला है वो हमारा आरआरबी का, हम लोग क्योंकि बीपीएससी यही तो ख़त्म हो गया, मैकेनिकल का होने वाला है, तो मैकेनिकल का तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है, वो सर्वेइंग और इसका सर्वेइंग बिल्डिंग मटेरियल है उनका, तो वो बिल्डिंग मटेरियल का तो लगभग डिवीजन हमने डाल ही दिया है अपने चैनल पे, तो वहाँ पे आप अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ जा कर के आप सिविल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में जा कर के आप बिल्डिंग मटेरियल का वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, वो हमने रिवीजन पर्पज़ से डाला है। और सर्वेइंग का भी अगर रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको चाहिए तो सर्वेइंग का भी हम डाल देंगे, और सर्वेइंग का कुछ ही दिनों में डालने वाले भी हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें बोला है कि आप सर्वेइंग का भी डालिए, तो सर्वेइंग का भी हम डाल देंगे कुछ दिन में। और जो है मेनली हमारा अब आरआरबी का एग्ज़ाम मई जून में होने वाला है, तो उसी पे बेस्ड जो है हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। और जो आप अगर कुछ सजेशन आपको इसके रिगार्डिंग देना है कि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप जो है, यहाँ पे सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप हमें बताइए क्या करना चाहिए। ये जो है आरआरबी का जेई का प्रिपरेशन मंडे से
स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसा मेजोरिटी रहेगा, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ करना रहेगा तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगर कुछ पढ़ना होगा तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।